हेलो प्यारे बच्चों, आज दे इस वीडियो विच मैं 6.2 दा दूजे दा जिहड़ा तीजा सम जिहड़ा है वह लेके आया हाँ। इहदे विच सानू क्या है कि किसी ट्राइएंगल पी क्यू आर दीआं भुजावां पी क्यू अते पी आर उत्ते क्रमवार बिंदु ई अते एफ स्थित हन, तां कि ई एफ जिहड़ी है पैरल क्यू आर दे है, ते सानू आ जिहड़े है उहनां दी वैल्यूज दित्तियां होईआं हन। तो पहला तो फिर आप सानू स्टेटमेंट दी हुई, तो पहला तो आप इस स्टेटमेंट तो जी फिगर ड्रा करांगे, पहला फिगर ड्रा करके फिर अगे बढ़ांगे। तो फिगर ड्रा क्या करने साडे कोल पी क्यू आर एक ट्राइएंगल है, तो आ मैं एक ट्राइएंगल बना ली इहदा नाम पी क्यू आर आप रख दिता, आ पॉइंट पी रख दिता, आ क्यू रख दिता, आर रख दिता। चाहे तुम इतो पी रख लेंगे, क्यू आर इधर भी रख सकते, जिदा मर्जी रख सकते। भुजावां पी क्यू और पी आर, आ पी क्यू है आ पी आर है, ये उपर क्रमवार बिंदु स्थित हैं ई और एफ। क्रमवार का मतलब जी पहला लिखी है वो पहला बिंदु है, जी भुजा बाद च लिखी है वो बाद वाला बिंदु है। यह मतलब पी क्यू के उपर कोई बिंदु क्या है, इतने ई है, तो पी आर के उपर कोई बिंदु क्या है एफ है, ये उपर कोई बिंदु एफ है, आ बिंदु एफ है। तो आप दसना है भी ई एफ जी है आ ई एफ बन गई हूँ, हाँ क्या ये पैरल है। असी जोड़ा है देख के फिगर तो ऐद ही नहीं बोल देना, असं जो सबूतों के नाल जो है कोई जो रूल्स सानू पता है या नियम पता है या थ्यूरम पता है वो यूज करके देखना। ऐद नहीं असं कहना कोई इतने कोई एफ ला सकता बिंदु इधर लगता, देखने चाहे सानू लगे पैरल चाहे ना लगे, पर आप जो है नियमों के अनुसार जो साढ़े को प्रूफ हैं उन्होंने अनुसार जो सानू दिता हुआ है उन्होंने अनुसार ही आप इन सोल्व करा। हूँ आप लिख लें कि सानू इन माप दिते हुए हैं पी क्यू, पी क्यू जो है आ सारा है, पी क्यू कि दिता है 1.28 इतों लैके इतने तक जो 1.28 दिता हुआ है। तो आप जो लिखना सोल्यूशन इनू आप कंक्लूड कर दें क्योंकि बोर्ड जगह थोड़ी घट है, इसलिए आप इतों ही सोल्यूशन लिख लें हाँ कि आ चीज़ा सानू दी हुई हैं। पी क्यू 1.28 है इतने तक, तो पी आर, पी आर जो इतों लैके इतने तक ये कि 2.56 है, जो आप इतने लिख लें कि आएगा 1.28 इतों लैके इतने तक जरा है 1.28 है, तो पी आर जो है वह 2.56 इतों लैके इतने तक जोड़ा है 2.56 है। तो पी एफ, पी एफ देखो पी एफ आ है, पी एफ जो है वो है पी एफ ए है 0.36 है इतों लेके इतने तक, तो पी ई जो है 0.1 है, पी ई आ है ये है 0.18 सेंटीमीटर। हुण आपां इह देखणा कि मूल समान अनुपात थ्योरम जां थेल्स थ्योरम अनुसार क्या हुंदा, पी ई ओवर ई क्यू हुंदा, ते इधर पी एफ ओवर एफ आर होगा, ते इन्हां दा अनुपात जिहड़ा है बराबर होगा। पर सानूं हुण पी ई दी वैल्यू दित्ती है, ई क्यू दी नहीं दित्ती हुई है, आ जिहड़ी है पी क्यू दी टोटल इत्थों लैके इत्थे तक दित्ती हुई है, ते इक आ दित्ती हुई है। जे सुण असीं ई क्यू दी वैल्यू लभणी होवे ता आ बड़े दे विचों आ घटा देवांगे साडे कोल ई क्यू दी वैल्यू आ जाऊंगी। तो फिर आप लिखांगे हुण जिहड़ा ई क्यू फाइंड करांगे, आप ई क्यू जिहड़ा है वह किन्ना होगा, आ जिहड़ा है ये होगा पी क्यू माइनस पी ई, ये होगा पी क्यू माइनस पी ई, यानी कि पी क्यू किन्ना है 1.28 है, माइनस ई क्यू 0.18 है, तो ये इनू माइनस कर दिता तो ई क्यू की वैल्यू साढ़े को आ गई 8 माइनस किए 0, 2 एक माइनस किया 1, तो डैसीमल थले डैसीमल 1 0 माइनस किया 1, ये बन गया 1.100 लाने की सूँ जरूरत नहीं है। ई क्यू आ गया 1.1
1 सेंटीमीटर। इसे तरह आप एफ आर भी पता करेंगे, एफ आर जो है एफ आर होगा पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ होगा, पी आर जो है 2.56 सेंटीमीटर है, तो माइनस जो पी एफ, पी एफ है 0.36 है, तो इनू ये माइनस कर दिता, 6 माइनस किए 0 बन गया, 5 3 माइनस किए 2 बन गया, डेसीमल के थले डेसीमल आ गया, तो 2 0 माइनस किया 2 आ गया, यह मतलब साढ़े को जो एफ आर आ गया वह 2.2 सेंटीमीटर आ गया। 0 जो डेसीमल तो बाद एंड 0 लाने की सूँ कोई लोड़ नहीं है। तो हूँ साढ़े को ई क्यू तो एफ आर भी आ गए। तो हूँ ये आप देखना कि जी सा थियोरम है वह क्या कहनी होंगी है कि जेकर कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जी है कोई रेखा खिंची जाए तो वह बाकी दोनों भुजावान बराबर अनुवाद वंडदी है, ये तो सानू थियोरम कहनी है। पर यदा उलट भी सही होंगे है, उलट मतलब भी जेकर किसी ट्राइएंगल कोई रेखा है वह लंघती हो दो भुजावान कटती हो ते जेकर उन्होंने बराबर अनुपात में कटदी हो रेखा जी है तीजी भुजा के समांतर होंगी है। तो ये आप देखना भी वह उन्होंने दोनों का अनुपात जो बराबर अनुपात में बन रही है, जेकर तो वह बराबर अनुपात में बनती है तो यह मतलब वह पैरल होगी, तो जे वह उन्होंने बराबर अनुपात में नहीं बनती तो वह पैरल नहीं होगी। अनुपात देखना तो यह अनुपात देखना पी एफ तो एफ आर का, जे तो दोनों अनुपात बराबर हो गए तो मतलब लाइन जी समांतर हैगी है, पैरल हैगी है, तो अदरवाइज जी पैरल नहीं है। तो हूँ आप देखते हाँ पीई ओवर ई क्यू, पीई ओवर ई क्यू इन्हों का अनुपात देखते हैं कि हूँ पीई ओवर ई क्यू, पीई की वैल्यू आप भरते हैं, पीई जोड़ा साढ़े को कि है 0.18 ते ओवर ई क्यू, ई क्यू जो है आप फाइंड किया है 1.1 है, इन आप सोल्व करते हैं, डेसीमल हटाने पहला यदा डेसीमल हटाना हो डेसीमल तो बिना कि बन गया 18 तो वो बटा सानू डेसीमल जो हटाया सी उदियां एक दिन 2 जीरो लानिया पे बटा 100 आऊंगा, तो आज बटा 1.1 भी है, तो 1.1 का जो डेसीमल हटाना हो कि बन गया 11, तो 11 के ओवर जी 0 लगनी सी 1 एक तो डेसीमल तो 1 जो डिजिट है, तो यह मतलब एक दे एक सिफर लगू बटा 10 लगूंगे, वह 10 जे उपर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊंगे, तो आ 0 के नाल एक 0 कट गई, तो आ 2 ना कट जाते 5 दुनी 10 तो 9 दुनी 18, तो यदा जोड़ा है आंसर कि बन गया 9 1 9 बटा 11 5 55, ये बन गया 9 बटा 55। तो फिर आप पीई ओवर ई क्यू देख लिया, तो फिर आप देखेंगे पी एफ ओवर एफ आर, तो हूँ आप देखते हैं पी एफ ओवर एफ आर, तो पी आर ओवर एफ आर जो है पी एफ ओवर एफ आर, सॉरी पी एफ की वैल्यू जी है साढ़े को कि 0.36 है, 0.36 तो ओवर एफ आर, एफ आर कि है 2.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी पहला हम आप डेसीमल हटा देवे, आदा डेसीमल हटाया ये बन गया 36/100 बन गया 100, तो मल्टीप्लाया 2.2 का डेसीमल हटाया बन गया 22, तो ओवर जो 10 लगना सी डेसीमल हटाने वास्ते वो उपर वाला गए 0, तो हूँ आप इन्हों कट देवे 0 नाल 0 कट गई, तो आ 18 2 36 तो 5 2 10 तो फिर 2 दिन कट जाऊँगा, तो 9 2 18 तो 11 2 22 तो ये जो बन गया 9 1 9 तो बटा 11 5 55। तो हूँ इतने देखो कि एदा भी जी वैल्यू 9/55 आ गई, यदि वैल्यू भी 9/55 आ गई, यदा मतलब पीई ओवर ई क्यू भी 9/55 है, पी एफ ओवर एफ आर भी जो 9/55 है। हूँ क्योंकि पीई ओवर ई क्यू बराबर आ गया पी एफ ओवर एफ आर दे, इसलिए जोड़ा थेल्स थ्योरम के उलट के अनुसार जोड़ा है तो ये दोनों जोड़े है
अनुपात बराबर हो गए, जो बराबर हो अनुपात मतलब जी रेखा है समान अनुपात बनती है, यदा मतलब वह रेखा तीजी भुजा के समांतर है। फिर आप लिखांगे क्योंकि पीई ओवर ई क्यू, पीई ओवर ई क्यू जड़ा है वह बराबर है पी एफ ओवर एफ आर दे, पी एफ ओवर एफ आर दे, इसलिए ई एफ जी है वह समांतर है क्यू आर दे। साडा आंसर आ गया पीई ओवर ई क्यू जी है वह बराबर है पी एफ ओवर एफ आर दे। अनुपात बराबर है अनुपात जो बराबर हो तो थेल्स थ्योरम के उलट के अनुसार जोड़ा है फिर ये जी लाइन है वह तीजी भुजा के समांतर होगी। हाँ सह के वीडियो जो थोड़े लिए लाभवंद होगा तो कृपा करके होर बच्चों भी जो वीडियो जरूर शेयर करो तो चैनल में भी सबसक्राइब करो, ये मैं कम करने का जोड़ा है हौसला मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच।